स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, टर्की में अर्थक्वेक आया है, तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीम भेज रही है। उसी पर मेजर साहब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हमने कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड किया इस नेचुरल डिजास्टर की में टर्की की हेल्प करने के लिए। तो उसी पर मेजर साहब बात करेंगे। और वहाँ पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है जावेद मियर, उसने कुछ अनाप शनाप बयान दिया है इंडिया के खिलाफ, तो मेजर साहब उनको भी जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। करते हैं ब्रदर 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 ब्रदर, जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना, चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनरी। डायन भी होती है ना, तीन घर छोड़ के आती है डायन, तीन घर छोड़ के डायन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। जावेद भाई क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया बुला लगा? अरे ऐसा थोड़ना है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है। मल्टीनेशनल कंपनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आ गई, 3,700 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम, लेकिन सीरिया वॉज एनी वे वॉर डेवेस्टेटेड कंट्री, वहां पे वैसी जंग की वजह से बहुत पहले स्थिति बहुत खराब थी और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं, एंड देयर इज नो वे टू रीच आउट टू देम, क्योंकि इसमें तुर्की भी बेचारा क्या कर लेगा, व्हाट कैन टर्की डू, क्योंकि जब ऐसी अर्थक्वेक आती है व्हाट कैन एनीबॉडी डू, पूरी बिल्डिंग, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स नीचे गिर गए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है टर्की में और ठंड की वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है हमारी, वो तैयार कर रही है दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये सब। Really nice. As we speak, they are leaving for Turkey and काफी देशों ने promise करा है relief और जा भी रहा है, और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा response बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क meeting meeting कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क decide कर पाते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं। Very nice. ये मैंने देख लिया है, दिस आई सभी जगह जब पे ऐसा, कोविड के समय कभी भी ऐसा डिजास्टर आता लोगों है को तो निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रात और रात यहाँ पे तो घंटों के हिसाब से काम होता है सबको डिप्लॉय करके, तो वो इंडियन प्लेन्स इन द एयर और वहां पे जाके जो भी रिलीफ करना है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहां पे आ रहे हैं, सभी आएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी। सीरिया में भी और तुर्की में भी हमारी हेल्प होगी। बीच में मैं एक आपको चीज पढ़ना चाहता हूँ ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की। यार अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है, ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। डीपली सैडन बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, आई सेंड माय प्रोफाउंड कंडोलेंसेस एंड मोस्ट सिंसियर सिंपथीज टू माय ब्रदर प्रेसिडेंट, ब्रदर प्रेसिडेंट, माय ब्रदर प्रेसिडेंट एर्दोगान एंड ब्रदरली पीपल ऑफ तुर्की ऑन द लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या लोग मैं ये? तुर्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्की को अब तुर्के कर दिया है, तुर्की, आई डोंट नो हाउ विद द टू डॉट्स, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का, लेकिन ब्रदरली, हर चीज दो बार तो इसने भाई बना लिया, ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का, जस्ट स्पोक टू हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट एर्दोगान टू एक्सप्रेस आर प्रोफाउंड कंडोलेंसेज एंड प्रेयर्स ऑफ द ह्यूमन एंड मटीरियल लॉसेज इन द अर्थक्वेक, आई टोल्ड प्रेसिडेंट दैट पाकिस्तान वुड डू एनीथिंग टू हेल्प द टर्किश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ड्यूरिंग दिस चैलेंजेस। अब देखो यार, खुद सोचो आप लोग ये क्या करते हैं यार, इतनी चापलूसी करते हैं यार, ब्रदर 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 ब्रदर, जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख शायद गया, वहीं पे भी पीक या मार फिर चाइना, लेंगे। चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनररी मुस्लिम, वो मुसलमान है नहीं, उनको ऑनररी मुस्लिम बना दिया, ठीक है। खास तौर से जो अमीर मुल्क है, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज रफली द एंटायर वर्ल्ड, बट पाकिस्तान से जो अमीर मुसलमान मुल्क है, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। अब यही चापलूसी बिल्लो रानी ने भी सीख ली, बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर, स्पोक विद माय ब्रदर मेलवुट कैवसगोलू, कैवसगोलू गोलू को मान गोलू, मेलवुट कैवसगोलू इन सॉलिडेरिटी एंड ऑफर कंडोलेंसेस फॉर द अर्थक्वेक, ऑफर असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन एनी वे वी कैन।
यार देखो ना, बात यह है कि इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज ऑफरिंग सपोर्ट, एवरी कंट्री शुड ऑफर सपोर्ट, पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारे कंट्री कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि जिस लेवल की चापलूसी ये लोग करते हैं ना पाकिस्तानी, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हर जगह, ये हर जगह इनके दिमाग में सिर्फ एक, अभी भी पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बाद में टर्की से पैसा ले सकते, पैसा मांग लेंगे, आज नहीं तो कल तो कुछ ना कुछ ले लेंगे। इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांग ली थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डायन भी होती है ना, तीन घर छोड़ के आती है डायन, तीन घर छोड़ के डायन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। मुझे कहना नहीं चाहिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहाँ पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान, कि हमें क्या बेनिफिट, कि हमने आपको मदद की थी, जो कर रहा है इसका नाम नहीं पता होगा, ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले, जिसको अभी भाई बना रखा है इसने अपना सगा। ये सब मौका परस्त लोग हैं, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी खबर है भारत से कि INS विक्रांत के ऊपर जेट लैंडिंग शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी वहां पे लैंड करा, टेक ऑफ करा, और MiG-29K जो कि हमारे पास थी पहले से, MiG-29 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करा। इसमें यह कहा गया है कि नेवी ने एक स्टेटमेंट पर कहा, हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय इंडियन नेवी एज नेवल पायलट्स carry out landing LCA Navy on board the INS Vikrant has demonstrates India's capability to design, develop, construct and operate an indigenous aircraft carrier with an indigenous fighter aircraft. देखिए ये जो विक्रांत है ये भी भारत में बना है, तेजस भी भारत में बना है, तो भारत का हवाई जहाज भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मुझे नेवी के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं पता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वुड नो मोर अबाउट द आर्मी देन द नेवी एंड द एयरफोर्स, बट यार हैट्स ऑफ यार, हजार सलूट नेवल एविएटर्स को। ये आप समझ सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट को धीरे करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें लैंड कर रहे हैं वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, वो रनवे नहीं है इन अ क्लासिकल सेंस, मूव कर रहा है उस पे चलते हुए प्लेटफॉर्म पे आके लैंड करना, यार जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और जो हमारे नेवल एविएटर्स करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है, तभी वो मूवी बनी थी ना इसकी टॉप गन, वो नेवल एविएटर्स के ऊपर बनी थी टॉप गन, इसीलिए टॉप गन कहते हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान, अजीमो शान पाकिस्तान। ठीक है जी, क्लास लगने वाली है। अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और यार देखो भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भारत ने गलत क्या बोल दिया है, कौन लोगों को सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रहे, खुशी खुशी पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार, बिल्कुल, इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ों अरबपति हैं, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में रहकर खुश नहीं है। So, how can you say that पैसे आयतने के लिए रहते लोग हैं वहाँ पे इस तरीके से करेंगे, how is that possible? It's not possible. ये possible है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, जावेद मियादाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियादाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल। अच्छा, कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू कम वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना जावेद मियादाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियादाद का संबंध आपको पता है कौन है, दाऊद इब्राहिम, जावेद मियादाद के बेटा और अच्छा दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है, तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता, इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका संबंधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है, जावेद मियादाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट। और मैं, जावेद मियादाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियादाद की जबान में जावेद मियादाद को कुछ समझाना चाहता हूं, जावेद भाई क्यों बोला मान ले हो, क्या हो गया, बोला लगा तो थोड़े, ठीक है, और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे हैं, ये देखो ना टमाटर ये लाया हूँ, ये देखो प्याज,
ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। कितना महंगा, मत करो, इंडिया गो टू हेल, खाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या, प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूँ तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने के लिए काम आएगा। इंडिया को गो टू हेल है जी, देख लो जगत भाई, जावेद मेहराज प्याज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। पहले तो तुर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसके रिस्पांस में जो इंडिया ने इतनी तेज़ी से अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ किया है, डॉक्टर्स की टीम और जो जरूरत की चीज़ें वो वहाँ पे भेजने के लिए जो जिस स्पीड से काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ऐसी कहीं पर भी ये नेचुरल डिज़ास्टर वाली या ह्यूमैनिटी की बात आती है तो हमारी आर्मी और पूरा देश उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे मेजर साहब ने कहा कि कई सारे देश ऐसे हैं कि वो अभी मीटिंग कर रहे होंगे, सोच रहे हैं कि कैसे मदद भेजे और क्या करे, उससे पहले हमारे आर्मी के लोग जवान तैयार होके वहाँ के लिए निकल भी गए। जो डॉक्टर्स की टीम है, सबसे ज़्यादा रेस्क्यू और डॉक्टर्स की टीम की उनको भी ज़रूरत है, और मेडिकेशंस वगैरह जो रेस्क्यू में जो इंजर हुए हैं उन लोगों की मदद के लिए। तो बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे तुर्की के साथ हाल में रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं है, फिर भी जब वहाँ पे ये नेचुरल डिज़ास्टर आया तो हम सबसे वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू यू नो वहाँ पे जाके मदद करने के लिए निकल पड़ा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हमारे रिश्ते सही है या नहीं, फिर भी ह्यूमैनिटी के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक बात रही जावेद मियादत की, तो ये लोगों बैंकक्रप्ट कॉम है, दिमाग भी उनका ऐसा है, तो ऐसे बयान देना कोई और उनसे सुनना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये लोग आए दिन ऐसे बयान देते ही रहते हैं और मेजर साहब ने उनकी भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।